Hello friends, Jai Sai Ram, Jai Jinendra, welcome to Kothari's Club. मैं आज बनाने जा रही हूँ कोकोनट और रोस्टेड दालिया की चटनी. रोस्टेड चना भी बोलते हैं, रोस्टेड दालिया भी बोलते हैं. ये चटनी बनाने जा रही हूँ, ये मैंने मेरी बहन से सीखा है कि शाम तक रखने से बाहर ये बिगड़ेगा नहीं. ये डोसा, इडली, खाकरा सबके साथ खा सकते हैं. ये इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ आपको. ये मैंने ग्रेटेड कर लिया है कोकोनट को, और रोस्टेड चना लिया है, ग्रीन चिल्ली लिया है 5 से 6, क्योंकि ये तीखा जिसको जितना हो है वो रखने. करी लीव्स लिया है तड़के के लिए, राई लिया है, स्वाद अनुसार नमक लिया है, और 1 स्पून तेल लिया है, हिंग थोड़ा लिया है, एक छोटी 1/4 टीस्पून. मैं अभी बनाने जा रही हूँ. एक स्पून मैंने इसमें तेल डाला है, बहुत हो गया, 1 स्पून ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है. इसमें गर्म होने के बाद 1 स्पून राई डालेंगे. वन फोर्थ टी स्पून हींग डालेंगे. ये चटर पटर होने के बाद इसमें ग्रीन चिल्ली डालेंगे. ऐसे ही काट करके भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं. मैं ऐसे ही डाल रही हूँ. करी लीव्स डाल रही हूँ. थोड़ा रोस्ट होने के बाद इसमें नारियल डालेंगे. ग्रेटेड किया हुआ नारियल है ये. इसमें नारियल डालेंगे. नारियल को थोड़ा रोस्ट होने देना है. बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ये थोड़ा कच्चापन जाने के लिए रोस्ट करते हैं. देखिए फ्राई हो रहा है. बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना ही फ्राई करना है. अभी इसको हम बंद कर देते हैं, स्टोव को बंद कर देते हैं. अभी इसी में ही हम लोग रोस्टेड चना दाल डाल रहे हैं. आधा कटोरी लिया है मैंने, और स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ. ये ठंडा होने तक ऐसे ही रखेंगे, बाद में मिक्सर में जार में ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा पानी डाल के. ये रेडी हो गया हमारा चटनी का इंग्रेडिएंट्स सब. ये ठंडा होने के लिए अभी रख देंगे, एक 10 मिनट के लिए रखना है. मैं अभी प्लेट इडली बनाने जा रही हूँ ये चटनी के साथ खाने के लिए. मैं स्टोव ऑन करती हूँ. ये भगोना में 2 ग्लास पानी रख दिया है. ये प्लेट में अभी हम घी लगाएंगे नीचे. सब प्लेट में लगा के इसमें इडली का बैटर डालेंगे. मैंने अभी घी को ग्रीस कर लिया है सब प्लेट में. अभी 1-1 स्पून इसमें डाल के हम लोग प्लेट में रखेंगे. इसे फैला देना. बहुत अच्छा इडली बनेगा ये चटनी के साथ खाने के लिए. अच्छा रहेगा ये इडली, प्लेट इडली.
भी इसके अंदर मैं रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, इसको पकने देना है। ढक्कन रख के रख दे। मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया चटनी को, आप देख सकते हैं ग्राइंड अच्छी तरह हो गया है। इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है मिक्सी से। इसको तड़का देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हमने एक स्पून तेल डाल के, राई डाल के, करी लीव्स डाल के हमने तड़का दे के इसको फ्राई करके ही बना है, इसलिए हम लोग इसको तड़का नहीं देंगे और शाम तक ये चटनी नहीं बिगड़ेगा। बहुत अच्छी तरह बना है, आप भी बनाइए और इडली के साथ, खाकरे के साथ, डोसे के साथ, सबके साथ ये खा सकते हैं। अभी हमने इडली बनाया था, प्लेट इडली, ये बन गया है। इसको कैसे निकालेंगे अब देखिए। इसे ये स्टिक जैसा है छोटा, इससे निकालेंगे। ये नहीं रहा तो स्पून से निकाल सकते हैं। स्पून के साथ इडली हमारा इडली भी रेडी हो गया, अभी चटनी भी रेडी हो गया है। हम सर्व कर रही हूँ, देख सकते हैं आप प्लेट इडली कैसा इतना अच्छा बना है। और आप भी ट्राई कीजिए, टेस्ट करके बताइए हमको, बना के कमेंट्स में डालिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए।